मनसा सेवा द्वारा प्रत्यक्षता कैसी होगी? शक्तिशाली आत्माओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मनसा सेवा। मनसा सेवा से प्रत्यक्षता कौन होगी? पहले बच्चे प्रत्यक्ष होंगे तो बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बच्चों को, शक्तिशाली आत्माओं को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने क्या क्या विधियां सिखाई हैं, आज हम उन पर मनन चिंतन करेंगे। 13 अप्रैल 1983 को बाबा ने समझाया, बाप दादा वर्तमान समय मनसा सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाते हैं। वाचा की सेवा से इतनी शक्तिशाली आत्माएं नहीं निकलती, लेकिन मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। मनसा सेवा करोगे तो शक्तिशाली आत्माएं क्या होंगी? प्रत्यक्ष होंगी। प्रत्यक्ष होना माना लोगों को समझ में आएगा कि वाक्य में ईश्वरीय संतान, भगवान के बच्चे, अल्लाह लोग हैं। 1984 को कहा, वाणी द्वारा कानों तक आवाज पहुंचा सकते हो, लेकिन वाणी के सत मनसा शक्ति द्वारा मन तक, बुद्धि तक पहुंचा सकते। मन की आवाज मन तक पहुंचती है, दिल की आवाज दिल तक पहुंचती है, सिर्फ मुख की आवाज कानों तक। कौन सी आवाज पहुंचाई? दिल की आवाज पहुंचाई जो दिल तक जाए और मुख तक रह जाती है। आपने दिल से समझाया तो वो भी बात दिल तक जाएगी ना। आपने मुसीबत काटी, घास काटी, चलो फटाफट दे दो जो भी है, ठीक। कान से मुख से बोल दिया, ठीक। कि आवाज सिर्फ मुख की आवाज कानों और मुख तक रह जाती है, सिर्फ वाणी से वर्णन शक्ति और मन से मनन शक्ति, मगन स्वरूप की शक्ति। आप कितने मगन हैं वो उसको भी मगन करेगी। मगन स्वरूप की शक्ति दोनों प्राप्त होती है, वे सुनने वाले और वे बनने वाले बन जाते, दोनों में अंतर हो जाता है। तो सदा, मतलब मुंह से बोलेंगे तो सुनने वाले, और आप बने बनाए संकल्प दे रहे हैं सीधा तो वो बन जाते, दोनों में अंतर है, हो जाता है। तो सदा वाचा और मनसा दोनों साथ साथ सेवा में रहे। तीसरा है, 11 मई 1983 को बाबा ने कहा, सदा बाप का हूं, बेहद की हूं, सदा बाप की हूं, बेहद की हूं। इस स्मृति में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प द्वारा सेवा करते चलो, मुख द्वारा भी और संकल्प द्वारा भी, दोनों साथ साथ। मुख द्वारा किसी को बल समझाओ, लेकिन जब तक शुभ भावना का बल उस आत्मा को नहीं देंगे तो फल नहीं निकलेगा। मनसा वाचा दोनों इकट्ठी सेवा हो, सिर्फ संदेश देने तक नहीं, नहीं तो सिर्फ हाँ हाँ करके चले जाते। मनसा सेवा साथ साथ हो तो तीर लग जाएगा। 23-10-70 को बाबा ने कहा, सर्विस केवल मुख की नहीं, लेकिन सर्व कर्म इंद्रियां सर्विस करने में तत्पर। सारी कर्म इंद्रियां, आंख नाक मुंह कान, सारा एक एक अंग किसमें तत्पर हो?
सेवा कर। जैसे मुख बिजी होता है वैसे मस्तिष्क नयन सर्विस में बिजी हो। सर्व प्रकार की सर्विस कर, सर्विस का सबूत निकालना है। एक प्रकार की सर्विस से सबूत नहीं निकलता, सिर्फ सराहना करते हैं। चाहिए सबूत तो सबूत देने लिए सर्व प्रकार की सर्विस में सदा तत्पर रहना। मतलब आपका कोई भी भाग ऐसा ना हो जो कहीं और लगा पड़ा, आपका एक एक अंग सेवा पर उपस्थित हो और सेवा करने में लगा हो। 2 जनवरी 1985 को बाबा ने सुनाया, सुनने वाला बनना है या कोई बड़ी बात नहीं है? सुनने वाला बनना या बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तो भाषण करो सुनने वाले सुनाने वाले बन गए, लेकिन स्नेही बनाना ये विशेष है। उसके दिल में आपके प्रति स्नेह जागृत हो जाए ये विशेष सेवा है। अभी नैनों की नजर से परवानों को शमक की ओर इशारा करने का ही विशेष समय है। इशारा मिला और चलते रहेंगे, उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे, तो ये विशेष सेवा आवश्यक है। 28 नवंबर 1981 को बाबा ने कहा, अभी वाणी के बम्स फेंकते हो लेकिन ये अभी बेबी बम्स है, अभी प्राप्ति के अनुभूति के बम्स चलाओ। परमात्म प्राप्ति की अनुभूति के बम्स चलाओ जो सीधा जीवन परिवर्तन कर दे। दिमाग तक तरी तक तीर लगाए हैं, दिल का तीर नहीं लगाया। दिमाग तक तो आपने तीर मारे हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स उनको सुनाए हैं, परंतु दिल का तीर नहीं लगा। अभी मुख का आवाज निकलता है कि अच्छा कार्य कर रहे, दिल से आवाज निकले कि यही एक मार्ग है। मुख का सौदा करने वाले बहुत होते हैं, दिल से सौदा करने वाले कोटों में कोई होते हैं, लेकिन आप सभी दिल वाला के बच्चे हो, दिल से सौदा कराने वाले हो, तो अब क्या करेंगे? ऐसा शक्तिशाली सेवा का चक्कर चलाओ जो सर्वात्माएं अपने पूर्वजों को पहचान, प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त कर ले। कुछ सुना, अच्छा सुना, इसके बदले कुछ मिला, ऐसे अनुभूति करें। समझा? सुनाते अच्छा है नहीं, ये कहें कि बनाते अच्छा है। सुनाते अच्छा है नहीं, बनाते अच्छा है। 26 जनवरी 1977 को बाबा ने कहा, इस वर्ष ये पावरफुल सर्विस अभी आरंभ करो। बस आप टाइम नहीं लगाओ, ये इस वर्ष ये पावरफुल सर्विस भी आरंभ करो। जो भी आत्माएं वाणी द्वारा व प्रैक्टिकल लाइफ व्यवहारिक जीवन के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई है व संपर्क में आने की उम्मीदवार है, उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव करो। रूहानी शक्ति का जो संपर्क में आ गई है ना, उनको अब रूहानी शक्ति का आरंभ करा, वो अनुभव करा, मेहनत का अनुभव, महानता का अनुभव कराएगा। मेहनत का अनुभव, महानता का अनुभव कराएगा। अब मेहनत तथा महानता के साथ रूहानियत का भी अनुभव करा, अपनी रूहानी स्थिति का भी अनुभव कराओ। तीनों बातों का अनुभव हो
तीनों बातों का क्या हो, अनुभव हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।